नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम कर रहे हैं पाठ संख्या 13, और पाठ संख्या 13 है विराम चिन्ह। हम सभी विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही करते हैं। हमें अपनी बात समझाने के लिए या सांस लेने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है, सही। चलिए, लिखते समय विचारों को भली भांति समझाने के लिए वाक्य की गति में परिवर्तन करना होता है, क्योंकि कहीं पर रुकना होता है, हमें आश्चर्य अथवा कहीं प्रश्न की अभिव्यक्ति करनी होती है। इसके लिए कुछ विशेष चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। इन चिन्हों को व्याकरण में विराम चिन्ह कहते हैं। कथन का आशय समझाने वे लेखन में रुकने का संकेत देने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण पढ़ो और समझो। रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, इन दोनों वाक्यों में समान विराम चिन्ह है, परंतु उनके स्थान परिवर्तन से। यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये आपको विराम चिन्ह दिख रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इनका स्थान परिवर्तन किया है, और स्थान परिवर्तन करने से वाक्यों का अर्थ बदल गया है। अतः विराम चिन्ह इच्छित अर्थ प्रदान करते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्न प्रकार से हैं। पूर्ण विराम, यहाँ पर चिन्ह दिए हुए हैं, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विवरण चिन्ह, योजक, कोष्ठक। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि ये विराम चिन्हों का प्रयोग हम सही जगह पर कहाँ करते हैं। पूर्ण विराम, सामान्य, आदेशात्मक, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। यह वाक्य की समाप्ति का सूचक होता है, जैसे नौकर बाजार गया, पूर्ण विराम। उठ जाओ, वहाँ मत खेलो। अब आया अल्प विराम, अपने कथन को स्पष्ट करने हेतु जहाँ थोड़ा रुकना होता है वहाँ इसका प्रयोग होता है, जैसे नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो अब हमने नहीं के बाद थोड़ा सा विराम लिया, तो हमने पूर्ण विराम नहीं लिया, हमारा अभी वाक्य समाप्त नहीं हुआ, तो हमने अल्प विराम का चिन्ह लगाया। वह जो कल आया था आज फिर आएगा, लेकिन देखिए जब वाक्य का अंत हो गया तब हमने यहाँ पूर्ण विराम लगाया है। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ प्रश्न पूछा जाए वहाँ इसे लगाया जाता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या कर रहे हो, इन सब में जहाँ प्रश्न पूछा जाए हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह, यह चिन्ह शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करता है। हाय, मेरा तो सत्यानाश हो गया, वाह क्या तस्वीर है, अरे यह कैसे हो गया। तो जहाँ हमें शोक हो, हर्ष हो, आश्चर्य हो, वहाँ हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर है विवरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तथा उदाहरण देने में किया जाता है, जैसे मुझे कुछ सामान, जैसे यहाँ ये चिन्ह लगा विवरण चिन्ह, पेंसिल, पैमाना, रबड़, स्टेपलर आदि चाहिए। काल तीन प्रकार के होते हैं, यथा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। फिर आता है योजक, इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को परस्पर जोड़ने में किया जाता है, जैसे आना जाना, खाना पीना, मान अपमान, अभी अभी आदि। जब दो शब्दों को हम जोड़ना चाहते हैं तो उसे योजक की सहायता से जोड़ते हैं। कोष्ठक, इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थी शब्दों को स्पष्ट करने के लिए, अंकों अथवा अक्षरों को क्रम में दर्शाने के लिए, वाक्य के भीतर के किसी स्पष्ट शब्द को स्पष्ट करने के लिए किया
जाता है। राम भरत और लक्ष्मण के अग्रज थे। अब हमें अग्रज का अर्थ स्पष्ट करना है तो उसे कोष्टक में लिख दिया, बड़े भाई। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 को हल करो। जन मन गण राष्ट्रगान, क्या है ये? राष्ट्रगान है। इसे हमने स्पष्ट किया कोष्ठक लगाकर। को गाने की अवधि 52 सेकंड है। तो चलिए अब आप जानते हैं सभी विराम चिन्हों के बारे में, तो देखते हैं क्या पढ़ा और क्या सीखा। विराम चिन्ह की परिभाषा दो, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्हों के नाम व उनके चिन्ह लिखो। तो बच्चों पाठ को दोबारा अच्छे से पढ़कर जो हमने अभी अभी पढ़ा है आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे। निम्नलिखित विराम चिन्हों के प्रयोग के उदाहरण दो। पूर्ण विराम का उदाहरण है, राम एक अच्छा लड़का है, पूर्ण विराम लगा है यहाँ। प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, हाय, विस्मयादि बोधक चिन्ह आया, सब सत्यानाश हो गया। योजक, मैं अभी अभी, तो यहाँ ये योजक चिन्ह है जो अभी अभी को जोड़ रहा है, बाहर से आया हूँ। निम्नलिखित वाक्यों को उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखो। वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वाह इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, तुमने तो कमाल कर दिया, और फिर पूर्ण विराम। अब इन तीनों को आप उचित विराम चिन्ह लगाकर स्वयं लिखेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको विराम चिन्ह का पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।